डीएनए टेस्ट के जरिए इंसान के जेनेटिक्स गुणों का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं डीएनए टेस्ट क्या है और ये कैसे होता है? डीएनए टेस्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डीएनए टेस्ट के जरिए आप इंसान के जेनेटिक्स गुणों का पता तो लगा सकते हैं। इस टेस्ट के जरिए बच्चे के पिता का भी पता लगाया जाता है, साथ ही अनुवांशिक बीमारियों का भी पता लगाया जा सकता है। डीएनए की मदद से आंखों का रंग, बालों का रंग आदि सुनिश्चित किया जा सकता है। यहाँ तक कि आने वाले समय में कौन सी बीमारी होने वाली है, ये भी डीएनए टेस्ट से पता लगाया जा सकता है। डीएनए टेस्ट मनुष्य के खून एवं यूरिन सैंपल, त्वचा, बाल, गाल इत्यादि कोशिकाओं की मदद से किया जाता है। डीएनए टेस्ट जन्म के दौरान गर्भनाल रक्त के नमूने पर भी किया जाता है। इन सैंपल को मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है, जहाँ उनकी जाँच कर 10 से 20 दिनों में रिपोर्ट भेजी जाती है। वर्तमान समय में 1200 से भी अधिक डीएनए जांच उपलब्ध है, जिनका खर्च लगभग 5000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के बीच में होता है। अब दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं डीएनए होता क्या है। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यह एक जेनेटिक मटेरियल है जो इंसान के शरीर में प्रत्येक कोशिका में मौजूद होता है। समरूप कई जन्मों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए अलग होता है। एक बच्चा अपने जेनेटिक मटेरियल का आधा अपनी माता से प्राप्त करता है, जबकि आधा मटेरियल अपने पिता से। डीएनए टेस्ट के दौरान बच्चे की अनुवांशिक विशेषताओं की तुलना में माँ से की जाती है। माता में नहीं पाई जाने वाली विशेषताएं पिता से अनुवांशिक रूप से मिली होती है। डीएनए टेस्ट पितृत्व टेस्टिंग का सबसे सटीक रूप है। यदि बच्चे और कथित पिता के बीच में डीएनए पैटर्न्स 2 या 2 से अधिक जांच में मेल नहीं खाते, तब कथित पिता को पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है। यदि माता, बच्चे और पिता के बीच डीएनए पैटर्न्स प्रत्येक जांच पर मेल खाते हैं, तब पितृत्व की संभावना 99.9% होती है। दोस्तों, डीएनए टेस्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिसे आपको जानना जरूरी है। नंबर 1, डीएनए का परीक्षण खून, गाल की कोशिका और यूरिन सैंपल से किया जाता है। दूसरा, डीएनए किसी भी जीवित कोशिका में पाए जाने वाला गुणसूत्र जो उस जीव की संरचना और उसके गुण को परिभाषित करता है। डीएनए कोशिकाओं में घुमावदार सीढ़ी की तरह होते हैं। नंबर 3, सबसे पहले स्विस के चिकित्सक फ्रेडरिक मॉइस्चर ने 1869 में डीएनए का पता लगाया था, मगर उस समय उन्हें ये पता नहीं था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। नंबर 4, हमारे जीनों में करीबन 20,000 से लेकर 25,000 जीन होते हैं। नंबर 5, केवल 1 ग्राम डीएनए 700 टेट्राबाइट तक की जानकारी स्टोर कर सकता है। नंबर 6, डीएनए सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड यानी कि आयोडीन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन से मिलकर बना होता है। नंबर 7, सूरज से आने वाली यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरण हमारे डीएनए को नष्ट कर सकती है, जिससे म्यूटेशन होता है और ये कैंसर का एक बड़ा कारण बनती है। नंबर 8, अगर एक व्यक्ति के डीएनए को एक के बाद एक जोड़ते हुए जाए तो इसे इतनी दूरी कवर की जा सकती है जितना कि 600 बार धरती को सूरज पर जाने और फिर वापस आने में लगेगा। नंबर 9, अगर आप हर दिन 8 घंटे और 1 मिनट में 60 शब्द लिखते हैं तो आपको मनुष्य के डीएनए को क्रम में लिखने के लिए 50 साल लग जाएंगे। नंबर 10, हमारी कोशिका जैसे एग और स्पर्म में हमारी कुल डीएनए का आधा डीएनए होता है। नंबर 11, हमारे शरीर में हर दिन करीबन 1000 से 10 लाख बार डीएनए नष्ट होता है और फिर दोबारा बन भी जाता है। नंबर 12, मनुष्य का डीएनए 50% तक गोभी और केले से मिलता है। नंबर 13, हमारे शरीर की कोशिका में आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड भी होती है जो डीएनए के आदेश पर प्रोटीन्स बनाता है। नंबर 14, सन 2000 में डीएनए के पूरे क्रम का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था जो कि 2003 में फाइनलाइज किया गया। नंबर 15, सभी मनुष्य के डीएनए में 99% समानताएं होती है। हमारा डीएनए चिंपांजी से 98% तक मिलता जुलता है। नंबर 16, डीएनए हर कोशिका में होता है, ये कोशिका के अंदर 0.09 माइक्रोमीटर की जगह घेरता है, मगर इसे फैलाया जाए तो ये 1.8 मीटर लंबा हो सकता है। नंबर 17, हैरानी की बात तो ये है कि बस एक चम्मच डीएनए में दुनिया के सारे प्रजातियों की जानकारी रखी जा सकती है। नंबर 18, पूरी दुनिया में जितना भी डाटा इंटरनेट पर उपलब्ध है उसे स्टोर करने के लिए केवल 2 ग्राम डीएनए पर्याप्त होगा। नंबर 19, डीएनए अपनी प्रति बनाता है ताकि कोशिका की विभाजन के समय दोनों कोशिकाओं को एक एक डीएनए मिल सके। नंबर 20, एलेक्स जेफरसन ने 1985 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की खोज की थी जिससे दो व्यक्ति के डीएनए की समानता को पता लगाया जा सके। तो दोस्तों, डीएनए के इतने सारे फैक्ट्स, इनमें से कौन कौन से फैक्ट्स आपको पहले से पता थे कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा। डीएनए के बारे में यदि आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर देख सकते हैं डीएनए का पूरी संरचना। तो दोस्तों, वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए स्टडी बॉय करियर के साथ। आज के वीडियो में केवल इतना ही, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।